Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और आज का वीडियो है जो जो मैंने सामान इंडिया से लाया है. ये देखिए, मेरी सूटकेस में हमेशा मेरी सूटकेस भर के आती है, भर के जाती है, भर के आती है. कभी कभार भर के ना भी जाए वेट के हिसाब से, बट आते वक्त तो भर के ही आती है, क्योंकि इतना प्यार होता है सबका. और मेरी भी दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है, इंडिया गए हैं तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें लेके आए, और जो भी मुझे मिलता है हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा देते ही देते हैं. तो ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे जब तक मैं इंडिया जाती रहूँगी. तो ये देखिए, ये सारा सामान है जो मैं इस बार लाई हूँ. मेरी गोद दुखने लग गई बैग को रख लेके. तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें दिखाती हूँ जो जो मैं इंडिया से लाई हूँ इस बार, ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है. आप लोगों को लगता होगा इंडिया में रहते हुए ये चीज़ तो क्या यार, एकदम मामूली सी है, बट वो मामूली हमारे लिए नहीं होती है. जो अब्रॉड रहते हैं उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो छोटी सी छोटी चीज़ में भी ना बहुत सारा कुछ इम्पोर्टेंस होता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से, किचन यूटेंसिल से, जो कि आपने ऑलरेडी मेरे पुराने व्लॉग में देख लिया है. मैंने ये एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मैंने ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेके आई हूँ. ये मैं बेलगाम से लाई हूँ, एंड बेलगाम इज़ रियली फेमस फॉर स्टील के चीज़ें. तो बचपन से मैं जब छोटी थी मम्मी वहाँ से चीज़ें लेते थे, तो वहाँ जाके मैंने ये कढ़ाई ली है. तो उसी शॉप से मैंने ये कढ़ाई ली. ये 3-ply स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई होती है. मम्मी ने मुझे ये एक छोटी सी पतीली या कुछ क्या बोलते हैं, पतीली बोलते हैं शायद, पता नहीं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, मुझे याद नहीं आता है आजकल, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ. तो ये एक छोटा सा मुझे बर्तन दिया है मम्मी ने. और फिर मेरी फ्रेंड जो कांता है वो इंडिया में थी जब मैं इंडिया में थी, तो उसने मुझे ग्लासेस दिखाए, एंड उसने बोला वो मेड टू ऑर्डर बने हुए हैं ग्लास. तो उसने बोला ये शायद मिलेंगे नहीं, बट देन मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए. तो मैंने ढूंढा, ढूंढने से भगवान मिलते हैं. आजकल तो अमेजोन की देन है, तो अमेजोन पे ये ग्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो इसीलिए मैं ये ग्लासेस लेके आई हूँ. ये मैंने ऑर्डर किया था मेरे भैया के घर पे और ये वहीं डिलीवर हुए थे, तो अभी मैं आते वक्त वहाँ से लेके आई हूँ. होपफुली अभी मैंने खोला नहीं है बैग, खोलने के बाद फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ. बैंगलोर में खोल के देखा था, देखते हैं कि कुछ टूटा वूटा तो नहीं है. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि थर्मोकॉल की पैकिंग अच्छी खासी थी इस पर, तो इंटैक्ट है. आयशा को टेंशन लगी थी कि ग्लास टूट तो नहीं जाएंगे. तो ये देखिए, ये ग्लास होते हैं वेस्ट बॉटल से बने हुए, जैसे कि ये बॉम्बे सफायर बोल के एक जिन वोडका होता है, तो उसके बॉटल से ही ये ग्लासेस बने हुए हैं. तो ऐसे आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे. ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये 4 का सेट मंगाया है मैंने. तो ये ग्लासेस भी इंटैक्ट सिंगापुर तक आ गए, बहुत अच्छा लगे मुझे ग्लासेस, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया था. फिर बर्तन में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, यही बस 3 चीज़ें किचन की थी. और ये जो आप डब्बे पैक्ड देख रहे हो, ये डब्बे, ओ गॉड, ऑयल लीक हो गया है. ये मैं बेलगाम जिस चीज़ के लिए गई थी, ये वो डिब्बे हैं. एक डिब्बा ऑलरेडी हमने कल खोल दिया, क्योंकि बिरयानी लाई थी मैं बैंगलोर से, तो उसके साथ ब्रिश्ता चाहिए था. तो ये सारे डिब्बे फ्राइड अनियंस के हैं, तो मुझे बहुत काम आते हैं, क्योंकि मैं बिरयानी बनाती रहती हूँ, पुलाव वगैरह पे, सब पे ना मुझे फ्राइड अनियंस चाहिए होता है. तो इसीलिए ये वाले डिब्बे लाई मैं. इसमें से सनी के बॉस को भी 2 डिब्बे जाएंगे, और उसके बाद जो बचेंगे वो मेरे लिए एक्सक्लूसिवली मैं और सनी खाते हैं. ये हमको बहुत पसंद है फ्राइड अनियंस. तो ये बेलगाम जाके मैं स्पेशल जो लाई थी, ये वो डिब्बे हैं. ये अलग अलग ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले इसको सेलो टेप से रैप किया, फिर उसके बाद कैरी बैग्स डाले, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत ऑयल निकला है इसमें, ठीक है. और उसके बाद मैं गई थी डी मार्ट बैंगलोर में, तो डी मार्ट से मैं ये दावत के पुलाव राइस लाई हूँ. ये 1/2 kg के 3 पैकेट लाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हम राइस खाते नहीं हैं. जब भी खाते हैं तो बासमती यहाँ वाला यूज़ करती हूँ मैं, बट ये वाले जो हैं दावत पुलाव बासमती राइस जो लिखा रहता ना, ये आप ट्राई करके देखना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे चावल. लास्ट टाइम एक ही पैकेट लाया था मैंने और मुझे इतने पसंद आए, बट खत्म हो गए थे. एंड सिंगापुर में ये पुलाव बासमती राइस नहीं मिलता है, दावत का बासमती नॉर्मल वाला राइस मिलता है. तो ये पुलाव जो लिखा रहता ना, वो आप एक बार ही ट्राई करना. तो ये लाई हूँ मैं उससे. फिर भैया ने मुझे ये डी मार्ट से स्पेशल वाले पापड़ दिलाए. ये गणेश पापड़ होता है, ये इतने यम्मी होते हैं ये, और ऐसे टूटते एकदम हल्के फुलके पापड़ होते हैं, तो जब भी पापड़ खाने का मन करेगा तो ये पापड़ काम आएंगे मुझे. फिर मैं लाई हूँ
बोरिक एसिड, क्योंकि चावल दाल वगैरह में कीड़े हो जाते हैं. सिंगापुर का वेदर ऐसा है, ह्यूमिड होता है हमेशा, तो वेदर की वजह से बहुत सारे कीड़े एंड वो ब्लैक कलर के बग्स लग जाते हैं. तो उसकी वजह से मैं बोरिक पाउडर का इस बार बड़ा डिब्बा मंगवाई, पापा ला के दिए मुझे. लास्ट टाइम वो छोटा ला के दिए थे जब वो लोग आए थे, बट देन इस बार मैंने बड़ा ही डिब्बा मंगवाया. और फिर मैं लाई हूँ ये तंदूरी मेयोनीज वेज वाली, क्योंकि मुझे तंदूरी चीज़ें बहुत पसंद है. कुछ भी तंदूर में बना के दे दो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू ईट. तो ये तंदूरी मेयोनीज भी लाई, क्योंकि मेयोनीज मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में. और फिर मैंने ये लाया साउथ वेस्ट चिपोटले का ड्रेसिंग, क्योंकि मैं रैप्स वगैरह जो बनाती हूँ, सैलड वगैरह, तो उसमें ये चिपोटले वाला, मुझे चिपोटले ड्रेसिंग बहुत पसंद है. सबवे में भी चिपोटले, साउथ वेस्ट चिपोटले बोल के वहाँ पे भी एक होता है सॉस, तो उसमें मैं यही लेती हूँ. सो आई लव दिस. तो ये मिला मुझे तो मैं ये लेके आई. सिंगापुर में मुझे दिखा नहीं था तो इसीलिए मैं ये लेके आई. फिर मैंने लाया स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी का पैकेट पाउडर, और इसके साथ मैंने लाया है ओरिगैनो स्नैपिट का, ओरिगैनो के सीजनिंग के ये पैकेट्स. इसके अंदर इंडिविजुअल सैशेज हैं 10-10 के, तो ये भी लाया मैंने. और फिर ये कुछ मसाले, ये बादशाह का राजवाड़ी मसाला होता है, गरम मसाला, तो ये लाई मैं. ये काफ़ी अच्छा होता है, ये आप ट्राई करके देखना, बादशाह वाला, राजवाड़ी लिखा होता है वही वाला. और फिर मैंने लाया बादशाह का किचन किंग, क्योंकि किचन किंग मैं एवरेस्ट यूज़ करती हूँ, मुझे लगा कि इस बार बादशाह का यूज़ करके देखते हैं. और फिर इसमें कुछ हैं, ये देखिए, ये ओरिगैनो का सीजनिंग है. और फिर मैंने लाया स्नैपिट का गार्लिक स्प्रेड, ये गार्लिक ब्रेड सीजनिंग है, तो ये भी लाया मैंने. ऐसे निकनैक्स छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो इंडिया में ही मज़ा आता है खरीदने में. यहाँ पे सारे बड़े बड़े पैक्स मिलते हैं, सिंगापुर में किसी भी चीज़ का देख लो आप, ह्यूज पैक मिलता है. ये जो इंडिया में 10-10 रुपए की शॉपिंग होती है ना, छोटे छोटे पैकेट 10 रुपए के, 5 रुपए के, वो एक अलग सुकून देते हैं. मुझे तो बहुत देते हैं भाई, दूसरों का पता नहीं, बट आई तो लव शॉपिंग दोस 5-5, 10-10 रुपए वाली चीज़ें. और फिर मैंने लाई ये सौंफ, जो छोटी बारीक वाली सौंफ होती है ना, ये बहुत महंगी आती है सिंगापुर में, बाय द वे. ये इंडिया में मुझे 30-40 रुपीस की आई बस, तो इसलिए वहाँ से लेके आई मैं इस बार सौंफ, क्योंकि हम सौंफ खाते रहते हैं. फिर मैंने लाई ये दाल, क्योंकि सिंगापुर की दाल संभाव मुझे वो टेस्ट नहीं देती जो हुगली में मैं खाती हूँ, ठीक है. तो इसलिए मम्मी पापा मेरे लिए दाल लाए थे, 1 किलो दाल लाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लगता नहीं है हमको, क्योंकि हम अलग अलग दाल बहुत खाते हैं, काली दाल, मिक्स दाल, उड़द की दाल, बहुत सारी दालें खाते हैं, तो ये तुअर की दाल मुझे कम लगती है, तो 1 ही किलो लाइए. ये पापा ला के दिए दुकान से. फिर मम्मी ने इसको 3 दिन तक धूप में सुखाया है टेरेस पे, यू नो, इतनी कड़क धूप है हुगली में अभी, तो उस धूप में मम्मी ने सुखा के फिर मुझे पैक करके दिया है. मम्मी पापा जैसे करते हैं ना हमको चीज़ें, वो इस दुनिया में क्या, इस अर्थ पे कोई नहीं कर सकता. उतनी सिस्टमेटिक चीज़ें मम्मी पापा करके देते हैं हम लोगों के लिए ना, तो इसीलिए वो प्यार ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. और फिर मैंने ये लाए फ्रायम्स पिलो बैट पापड़, बोलते देखिए कुछ ऐसे शेप के हैं, ये तलने के बाद बैट जैसे रैकेट होता है ना शटल का, वैसे दिखेंगे. ये फ्रायम्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए ये वाले लाए मैंने, तल के खाने वाले. और फिर मैंने लाए हैं ये चिप्स, ये कड़ी पत्ते वाले चिप्स होते हैं, तो ये 2 पैकेट लाए हैं बस, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, वैसे भी ऑयली चीज़ें आजकल अवॉइड करती हूँ, तो 2 ही पैकेट लाए हैं. ये जब तक रहेंगे तब तक खाली हो जाएंगे खा के. और फिर इसमें है एक चुरमुरे, जो कि हुबली स्पेशल, हुबली गिरमिट होता है, आई मीन ये ड्राई वाला चुरमुरा होता है, तो ये वाले लाए. ये पैकेट एक ही लाई इस बार मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और जब रहता है ना तो ज़्यादा मन होता है, नहीं रहता है तो फिर अच्छा रहता है. और वैसे भी चीज़ें ना थोड़ा आजकल कंट्रोल में खाओ तो ही बेटर है ना. और फिर मैंने ये लाए लम्सा टी पाउडर, चॉकलेट टी पाउडर जो होता है वो लाया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट चाय ना. तो ये पत्ती ऐसी होती है कि नॉर्मल टी पाउडर आपको डालना है, उसके बाद थोड़ा सा ये वाला डालना है, बस दैट्स इट. फिर ये पास्ता का पैकेट, जो कि आधा है, क्योंकि उबली में आधा बनाया और उसके बाद मम्मी ने बोला कि हम ये पास्ता यूज़ नहीं करेंगे, तू लेके जा, क्योंकि मम्मी नहीं बनाते पास्ता घर पे, तो ये मैं लेके आ गई, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ यहाँ पे पास्ता. और फिर मुझे आयशा ने ये प्यारे से दिए गिफ्ट किए हैं, ये देखिए कितने प्यारे हैं फ्लावर्स वाले. तो ये गिफ्ट किया आयशा ने, फिर मैं दिखाती हूँ उसने क्या दिया है. देखिए उसने मंगाया था स्पेशली मेरे लिए, और ऐसे वाले दिए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है ना ऐसे डेकोरेटिव्स, तो उसने ये 2 कलर में दिए हैं मुझे, 4 दिए हैं टोटल सेट.
तो हम दोनों ने शेयर करके लिया. वो एक्चुअली सारे मेरे लिए ही लाई थी काइंड ऑफ, बट देन मैंने बोला कि नहीं, दोनों के पास दोनों चीजें रहने दो. तो देखिए रेड कलर में और पिंक कलर में ऐसे दिए का स्टैंड है, तो ये वाले गिफ्ट्स उसकी तरफ से. और फिर ये वाले मैंने डी मार्ट से कुछ सोप लाए हैं, ये वाले ऐसे सोप होते हैं, ये सनी को बहुत पसंद आए थे तो उन्होंने मंगवाए थे, तो मैंने डी मार्ट से ये सोप लेके आए. और उसके बाद इसमें है काली दाल एंड मसाले की मिर्च हुगली वाली जो मम्मी ने बनाई है. और उसके बाद इसमें है केवड़ा वाटर, वो भी मैं बिरयानी के लिए लाई थी, मम्मी यूज़ नहीं करेंगे तो वो मैं लेके आ गई. फिर मैंने सिलवाए कुछ दो तीन ब्लाउज, तो ये सारे मेरे ब्लाउज हैं. और ये एलर्जी की टैबलेट्स लाई हैं मैंने. और ये मैंने एक साड़ी खरीदी है, ये मैं जब पहनूंगी तब आप देख लोगे. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी. एंड किचन में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको फटाक से किचन में जाके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ बैटरी डेड हो रही है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पसंद आया होगा. आप किचन के सामान दिखा के फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं. तो ये देखिए, इसे प्याज के डिब्बे जो थे मैंने ऑलरेडी दो डिब्बे खाली कर लिए. एंड मैंने क्या किया है, इसमें भर के रखी हूँ. ये एक किलो का डिब्बा है ऑलमोस्ट, तो इसमें भर के अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी. ये मैं ऐसे ही रखूँगी. हमने कल खाने के लिए खोल दिया था बिरयानी के साथ. मैंने फ्राइम्स लिए थे तो यादें खा लिए ऑलरेडी, तो ऐसे ही रखे हैं. और ये आया है घी मेरे सासू माँ के घर से. ये देखिए घी आया है एंड लड्डू आया है, गुड़ आया है, बहुत कुछ आया है. वो मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल के रख दिया है. कल मैं ग्रॉसरी लाने गई थी, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान थी. जब भी हम रात की फ़्लाइट लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है क्योंकि रात को नींद नहीं आती है फ़्लाइट पे. डे टाइम हम दिल्ली से जब आए थे एक बारी, तो डे टाइम वॉज स्टिल मच बेटर, क्योंकि दिन भर में चला गया था, फिर रात को आके हम नॉर्मल अपनी नींद लिए थे. और ये देखिए कितना मोटा सा पिंपल हुआ है, ये इंडिया का आशीर्वाद है. इतनी डस्ट थी वहाँ पे इस बार, मतलब. एंड मैं स्कूटी पे भी इतना घूमी हूँ इस बार हुगली में, तो उसकी वजह से, डस्ट की वजह से मुझे हो गया है. और मैंने आज बनाया ब्रेकफास्ट में उपमा, जो कि पोहा, जो कि मेरा फेवरेट है. और हाँ, इस व्लॉग को एंड करना चाह रही थी मैं. एंड करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बातें बताऊँ जो इंडिया में हुई इस बार. इतना फनी इंसिडेंट हुआ इस ट्रिप का, सबसे बड़ा फ़नी इंसिडेंट आई थिंक हमारे लाइफ में. ये हमेशा हम याद रखने वाले इस इंसिडेंट को. क्या हुआ एक्चुअली मालूम, मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ. और अब मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ. तो जी हाँ, क्या हुआ मालूम, एक्चुअली सेकेंड को मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी थी. एंड जब मैं बोली उनको कि मैं 29th को आने वाली हूँ और 3rd को जाने वाली हूँ वापस, तो वो लोग बहुत खुश हुए. उनको लगा कि मैं एनिवर्सरी मना के फिर वापस सिंगापुर जा रही हूँ. तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी थी, कपड़े लाए थे नए एनिवर्सरी के लिए, और केक वगैरह सब कुछ ला के रखे थे, सब कुछ प्लानिंग करा था उन्होंने. ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ कि बाई चांस आयशा की मम्मी एंड आयशा की बहन की बेटी भी वही थी, तो ऐसे होके ना उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होगा. तो उन्होंने फर्स्ट की रात को, वो लोग एक्चुअली फर्स्ट को उनकी शादी हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद रिसेप्शन वगैरह हुआ था. तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जिस दिन मैं आई थी बैंगलोर, जिस दिन मैं रामेश्वरम गई थी खाने, तो मैं विश करूँगी. मैंने विश नहीं किया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था एनिवर्सरी है. वो बात ठीक है, चलो इग्नोर्ड. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हम विश करेंगे. हम गए थे मनीष दम बिरयानी खाने, वहाँ पे भी हमको याद नहीं आया, ना मम्मी पापा को याद आया, ना मुझे याद आया, उनको किसी को ध्यान ही नहीं था. पता नहीं कैसे, मम्मी पापा को तो चलो हज़ार टेंशन होते, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, जबकि मैं सबके एनिवर्सरीज याद रखती हूँ. फिर उसके बाद हम आए घर, और 2nd तारीख को हम आयशा ने मुझे बोला कि आप तैयार हो जाना, हम फोटोग्राफी वगैरह करेंगे और केक ला रहे हैं, केक ला के हम ऐसे ही सेलिब्रेशन करेंगे कि हम लोग सब साथ हैं. उसने ये भी बोला, तब भी मुझे ध्यान नहीं आया कि कुछ स्पेशल है, तभी केक लाया जा रहा है. मैंने पूछा क्या स्पेशल है, क्यों इतना तैयार हो, तो उसने बोला कि ऐसे ही तैयार हो जाओ. मैंने बोला ठीक है, तैयार हो जाओ. मैं तैयार हुई, हम फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ किए, फ़ोटोज़ वोटो सब कुछ खींचे. और उसके बाद भैया बाहर गया था, भैया केक लेके आया घर. केक देख के मैंने पूछा ये वाह, ये हार्ट, दो केक लाया था उसने, एक नॉर्मल और एक हार्ट शेप. मैंने पूछा हार्ट शेप वाला केक किसके लिए, तो आयशा ने बोला मेरे लिए स्पेशल. मैंने बोला वाह नाइस, तब भी मुझे ध्यान नहीं आया. और उसके बाद मैं केक का वीडियो बना रही थी, जो कि आपने क्लिप देखा होगा, मैंने केक का पूरा वीडियो बनाया था.
तो उस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। एंड में मैंने नोटिस किया, मैंने बोला हैप्पी एनिवर्सरी, और मैंने उनको ये बोला कि मेरी एनिवर्सरी जो मई में आती है, मैंने उनको बोला कि मेरी एनिवर्सरी एडवांस में सेलिब्रेट करके भेज रहे हो। ओ गॉड, वो मैंने ना चेरी ऑन द केक कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी बात। बाद में आयशा और भैया ने बोला पागल हो क्या आप, आपको याद नहीं है कि हमारी एनिवर्सरी है। तब जाकर मुझे ध्यान आया, ओ शिट, मैं यहाँ रह के भी कुछ नहीं की, ना मुझे याद आया, ना मैंने विश किया उनको 2 दिन से, और हर जगह हम घूमे जा रहे, बातें किए जा रहे, तब भी मुझे ध्यान नहीं आया। इतना गिल्ट फीलिंग आया मुझे, एंड अभी भी वो गिल्ट है मुझे कि मैं वहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पाई। और फिर बाप रे, उन्होंने केक वेक कट कर रहे थे ना, मेरा दिमाग, सीरियसली मेरा दिमाग था ही नहीं वहाँ पे। मतलब बहुत ही गंदी फीलिंग थी वो। अगर ये व्लॉग आप लोग डेफिनेटली देख रहे हो, प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग इट। नेक्स्ट टाइम इसकी भरपाई करूँगी मैं, जो भी हो सकता है मुझसे उस सब करके मैं भरपाई करूँगी। क्योंकि यार मैं एक ऐसी इंसान हूँ, जब मैं अगर मैं इंडिया में हूँ और कुछ ओकेजन है ना, मैं उस चीज़ को कभी छोड़ती नहीं हूँ ऐसे ही, यू नो। आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी मैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी इतनी ग्रैंडली मनाई थी, छोटू का बर्थडे था तभी मैंने इतना ग्रैंड मनाया था। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको स्पेशल फील कराऊँ, एंड यहाँ पे तो मैं थी उनके घर एंड तब भी मुझे ध्यान नहीं आया, तो मुझे बहुत गंदा लगा। ये एक जोक जैसा भी बन गया, और ये एक ऐसा बन गया, एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत हर्ट की, यू नो। तो या वही आयशा और बहन बोला इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई नो वो बोले हैं, बट दिल में यार किसी को भी अगर मैं होती तो मुझे भी ऐसा ही फील होता, यू नो। बट मेरे जेन्युइनली मेरे रिएक्शंस उन्होंने देखे ना, वो खुद हंस रहे हैं कि ऐसे कैसे दिमाग में नहीं आ रहा था जबकि हमने इतने हिंट दिए तुम्हें। तो ऐसा हुआ, तो यही शेयर करना था, बहुत ही फनी इंसिडेंट था ये। बट या होता है, होता है, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी होती है, ये छोटी बात नहीं थी बट ये हुआ है। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आए होंगे, इंडिया के पूरे सीरीज़। तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय। मैं पपी नहीं दे सकती क्योंकि हाथ में मग है मेरे। बाय।